नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार रवि है और मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आज मिश्रा फॉर यू चैनल पे। ऐसा नहीं है कि ये चैनल अब मेरा हो गया है, ये चैनल आज भी राजा मिश्रा जी का ही है। आज मैं बैठा हूं उनका इंटरव्यू करने के लिए, उनके ही चैनल पे उन चैनल के मालिक का इंटरव्यू करूंगा और आप तमाम लोगों को उनकी बातों से अवगत कराऊंगा। बात होगी राजा मिश्रा जी की, बात उन्हीं राजा मिश्रा जी की होगी जब 2013 में राजनीति के उफान पे चल रहे अरविंद केजरीवाल के सरकार गिरने की भविष्यवाणी उन्होंने की और उस समय से अपने ज्योतिषी शास्त्र के उफान पे चल पड़े हैं। और 2013 से आज तक लगातार राजा मिश्रा भारत देश के तमाम बड़े ज्योतिषों में अपना नाम शुमार कराए हुए हैं। आज बात करेंगे उनके तमाम भविष्यवाणियों की, चाहे 2015 बिहार विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी हो, चाहे 2017 यूपी विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी हो, चाहे 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी हो, चाहे 2014 और 2019 में हुए आम लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी की बात हो, राजा मिश्रा ने अपनी भविष्यवाणी के तौर पे सब तरफ पे सटीक उतरे हैं। तो बात इन तमाम लोगों पे आज उनकी ही इंटरव्यू की होगी और तमाम तरह के सवाल किए जाएंगे ज्योतिष शास्त्र से, वास्तु शास्त्र से, मांगलिक अमांगलिक जितनी भी तरह के सवाल हो सकती है सारे सवाल किए जाएंगे आज राजा मिश्रा जी के साथ। आइए मिलते हैं राजा मिश्रा जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज मेरा इंटरव्यू मेरे ही चैनल पर में लेने की कृपा की है। ये इनके बारे में आप लोग जानते होंगे या नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूं, ये आदित्य कुमार रवि हैं, बहुत अच्छा कविता लिखते हैं, कवि भी बहुत अच्छे हैं, वक्ता बहुत अच्छे हैं। जब ये बोलते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस लोगों को सुनना पड़ता है, इतना बढ़िया, चाहे वो 200 की भीड़ हो या 500 की भीड़ हो या हज़ारों लोग हों। राइटर बहुत अच्छे हैं, जब ये लिखते हैं तो जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो पढ़ रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ कि ये कई सारे न्यूज़ चैनल में काम कर चुके हैं, कई सारे प्रिंटिंग मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये दैनिक भास्कर में भी काम कर चुके हैं, APN न्यूज है उसमें काम कर चुके हैं, अभी और बड़े बड़े चैनल सब पर में जो है इनका इंटरव्यू चलता रहता है, ये लेते रहते हैं। तो आज मेरा ये सौभाग्य है आदित्य जी कि आज आप मेरा इंटरव्यू मेरे ही चैनल पर में लेने जा रहे हैं। आप ये कुछ प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में, क्या है कि इनको धर्म पर में विश्वास तो है लेकिन अंधविश्वासी नहीं है ये, मैं जो कह दूं उसे ये मान लें ऐसे में से नहीं है। तो चलिए ठीक है, आपका जो जैसे प्रश्न है एक एक करके आप मुझसे पूछेंगे और मैं उसका सही तरीके से उत्तर देने की प्रयास करूंगा। आज सबसे पहले राजा मिश्रा जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका ज्योतिषी में प्रवेश कैसे हुआ और इस क्षेत्र में आपका अनुभव किस तरह से रहा है, कैसा सब बताएं आप अगर। हाँ, क्योंकि इनका ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, मैंने BTech की, MTech की, मेरा इसमें कोई था नहीं कुछ रुचि इस प्रकार का, लेकिन मैं कैसे आ गया तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं BTech कर रहा था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त में मेरे पिता जो हैं सो ज्योतिष हैं, तो उनके पास में लोग आते थे, पूछते थे और वो जो कुछ कहते थे तो लोग कहते थे हाँ ये बात सही है, ये बात सही। और मेरे पिता थोड़े से गुस्सैल किस्म के, थोड़े से यानी कि ये समझो कि हिटलर टाइप के व्यक्ति हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है कि डर के मारे लोग इनको कहते हों कि नहीं नहीं जो आप कह रहे हैं वो सही है, तो मुझे विश्वास नहीं था। और मैं विज्ञान का विद्यार्थी, ज्योतिष धर्म पूजा पाठ इन चीज़ों पर मेरा ज़्यादा विश्वास भी नहीं और रुचि भी नहीं थी। लेकिन मैं इंजीनियरिंग करते 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 जब लास्ट ईयर में जब मैं पहुंचा तो मुझे एक बार लगा कि थोड़ा सा, लास्ट ईयर में क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाती है, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है आपके पढ़ाई पर में, सेकेंड में और कम, थर्ड में और कम, फोर्थ में तो फिर आप खुद प्रोफेसर हो जाते हैं तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मैंने देखा कि जरा देखता हूँ कि ये बात सच्ची है या गलत है। तो उस पर मैंने ज्योतिष के बहुत सारे किताब मंगाए, बहुत सारे प्रोफेसर के लेक्चर वगैरह देखे, पढ़ना शुरू किया, अपने आप पर मैंने रिसर्च शुरू किया कि भाई पहले अपने आप पर तो देखूं कि बात सही है या ऐसे ही बस चल रही है फांकी, क्योंकि ज्योतिष के क्षेत्र में आप जानते हैं कि बहुत सारे फर्जी लोग हैं और बहुत लोग ऐसे हैं कि ठग लेते हैं, 10-20-25-50 हज़ार लाख रुपये आपसे ठग लेंगे और आपका कोई काम नहीं होगा, ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को मिला होगा। मैंने उसको रिसर्च किया, पढ़ना शुरू किया, फिर अपने आप की जन्म कुंडली देखने शुरू की, उस पर मैं महीना, दो महीना, छः महीना, साल, दो साल का वो रिसर्च किया, फिर मुझे लगा कि नहीं ये जो बातें ज्योतिष से निकल रही है वो सही है।
तब इस प्रकार से मैंने फिर फ्री में लोगों को कुंडली वगैरह बतानी शुरू की। लोग एक के बाद एक आते गए, मुफ्त में बताया गया, बताता गया। लोग कहते थे कि नहीं आप जो कह रहे हो वो सही है, तब मुझे मेरा विश्वास मेरे पिता पर में हुआ जो नहीं वो जो कह रहे थे सही ही कह रहे थे। तो इस प्रकार से मेरा ज्योतिष में इंटरेस्ट जागृत हुआ। मैंने कुछ दिन कुछ प्राइवेट चैनल सब में काम किए एज ए ज्योतिष के रूप में। उसके बाद फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, वेबसाइट शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। पहले शुरुआती दौर में फीस बहुत कम रखी थी हमने, उस पर बताना शुरू किया, लोगों ने फीडबैक देना शुरू किया कि नहीं भाई सही बात है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से मेरा ज्योतिष के क्षेत्र में प्रवेश हुआ और मैं आज के समय में मैं नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी एक सफल ज्योतिष के तौर पर मैं हिंदुस्तान में अगर कुछ ज्योतिष हैं तो उसमें एक मेरा भी स्थान है। बताते इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था जिस तरह से कि इनकी भविष्यवाणियां बहुत सारी सटीक साबित हुई हैं, चाहे वो 2013 में अरविंद केजरीवाल के सरकार गिरने की भविष्यवाणी हो या अभी अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी से रिलेटेड इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, इनके चैनल पे मौजूद है, आप भी देख सकते हैं। तो तमाम तरह की भविष्यवाणियां चुनाव से लेकर और नेताओं के जेल जाने तक की भविष्यवाणी आप करते आए हैं, तो मुझे ये जानना था कि भविष्यवाणियों की कितनी प्रामाणिकता है और किस तरह से ये सटीक बैठ जाती हैं आपकी हर बार। हाँ, ये बात आपने सही कही, क्योंकि आज के समय में आप देखो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की भविष्यवाणी हो या लोकसभा चुनाव में मोदी जी के 400 पार सीट की भविष्यवाणी हो, लोगों ने जो है लगभग 99% ज्योतिष ने यही कहा कि इस बार लोकसभा में 400 पार होगा ही। लगभग सब ज्योतिष ने, चाहे आप बड़े बड़े चैनल के लोगों को उठा करके आप देख लो, एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि 400 पार नहीं होगा। मोदी जी ने कह दिया, यानी कि भगवान ने कह दिया, अर्थात वो बात होगी ही, ऐसा ज्योतिष खुद समझ रहे हैं। अर्थात आप ज्योतिष विद्या से गद्दारी कर रहे हो आप। मैंने वहां पर मैं कहा था कि मोदी जी को सीट मिलेगी, बीजेपी को सीट मिलेगी, लेकिन सिर्फ 250 से 300 सीट मिलेगी। और मेरे जितने भी संपर्क के लोग थे सबसे मेरा झगड़ा हो गया था, सब लोग विरोध में आ गए कि भाई तुम बीजेपी के सपोर्टर हो या विरोधी हो, किस प्रकार की बातें कर रहे हो। मैंने कहा कि सपोर्टर एक अलग जगह है, ज्योतिष विद्या की गणना एक अलग जगह है, मेरा ये कैलकुलेशन कहता है कि 250 से 300 ही सीट आएगी। सब लोगों ने बहुत हद तक बीच में मेरी बातचीत उनसे बंद हो गई थी मेरी, चाहे वो मेरे बहुत करीबी जानने वाले लोग हों अथवा जो भी देश दुनिया के जाने माने ज्योतिष जिनसे मेरा संपर्क है वो लोग हों। अरविंद केजरीवाल वाले में भी और हुआ भी वही कि 250 से 300 के बीच में ही सीट गठबंधन करने के बाद भी उतनी ही रह गई, खुद भी बीजेपी की 200 कितनी सीट आई थी, 237 से 38 40 के बीच में सीट आई थी, यानी कि 250 से भी कम हो गया था। और गठबंधन करने के बाद जो है सो 290-92 शायद 90-93 सीट आई थी, यानी कि 250 से 300 के बीच में वो सीट रह गई। जब वो हो गई तब जितने ज्योतिष थे बड़े बड़े उन लोगों का कॉल आने लगा कि आपने मिश्रा जी ये कैसे सटीक निकाल लिया, आपका ऐसा कैसे कैलकुलेशन हो गया, हम लोगों का फेल कर गया। उन लोगों के चैनल पर मैंने देखा कि लोग लिख रहे थे कि आप ही के जैसे पाखंडी लोगों से, आप ही के जैसे धूर्त ज्योतिष से आज दुनिया बदनाम हो रही है। वो लोग काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे। कारण वही है कि कैलकुलेशन सही नहीं है और लोगों के प्रभाव में आकर के वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने कह दिया तो सही बात हो गई। अरविंद केजरीवाल वाले में भी वही बात कि मैंने जब जेल जाने की भविष्यवाणी की तो कई लोग जो आपके सपोर्टर थे और बहुत सारे लोग जो, मतलब क्या होता है आज के समय में आदित्य बाबू, ऐसा है कि ज्योतिष संत महात्मा ये लोग भी पार्टी के समर्थक हो गए हैं, अपने धर्म को अपने कर्तव्य को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे। अगर वो ज्योतिष हैं तो सच्चाई से ज्योतिष का काम नहीं कर रहे। अगर एक कथावाचक भी है तो वो कथा कम करेगा और पॉलिटिक्स की बात ज़्यादा करेगा। वो इसके कारण से गड़बड़ी आ रही है। अरविंद केजरीवाल की जो मैंने भविष्यवाणी की कि 29 मार्च से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा, कई लोग भड़क गए मुझ पर में कि ये कैसी बातें करो, जिसके राज्य में रह रहे हो उसी के साथ ऐसी बातें कर रहे हो, उसको आप इस प्रकार का श्राप दे रहे। भाई मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, मैंने मेरा वो गन्ना है, मेरी वो कुंडली की एनालिसिस है जो कर रही है। और 21 तारीख के रात में या 22 तारीख के रात में मार्च में अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। फिर सब लोग संपर्क करने लगे हर तरह से कि भाई ये कैसे आपने कर दिया। ये कैलकुलेशन ईमानदारी की है, चेहरा देख करके कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए ये भविष्यवाणी सही साबित होती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और सवाल करना चाह रहा था कि अभी देखने को मिला है कि पुराने जमाने में देखते थे कि ज्योतिष एक बैग टांगते थे, एक झोला लेकर चलते थे और बहुत गरीब हुआ करते थे, बहुत पैसा नहीं हुआ करता था। हमारे घर पे भी ज्योतिष आया करते थे, जो साइकिल से आते थे वो साइकिल की भी टायर फटी रहती थी, पैदल ही चल रहे होते थे। लेकिन आज के ज़माने में आप खुद भी अपने आप को भी देखें तो तमाम ज्योतिष लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं और तमाम ऐशो आराम का जीवन यापन करते हैं। आप
खुद भी बहुत ऐशो आराम का जीवन यापन करते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये बदलाव कहाँ से आया और ये बदलाव की शुरुआत कब से हुई। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि तमाम ज्योतिष जो है सो गरीब ही रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि ब्राह्मण को माता लक्ष्मी का ये श्राप जरूर है कि ब्राह्मण कभी अमीर नहीं हो सकता, ये श्राप है। इसकी कहानी इस प्रकार से है कि महर्षि भृगु है, उनकी पुत्री है माता लक्ष्मी जो है, जो उनकी पुत्री के रूप में जानी जाती है, और भगवान विष्णु उनके दामाद के रूप में जाने जाते हैं। महर्षि भृगु, एक बार कथा इस प्रकार से आती है कि महर्षि भृगु मिलने के लिए भगवान विष्णु के द्वार पर में जाते हैं, कई बार आवाज़ लगाते हैं, प्रभु प्रभु याद करते हैं, नाम लेकर के भी बोलते हैं, लेकिन उनके क्षीर सागर में भी, हमारे आपके यहाँ जैसे बाउंड्री होती है तो गेट बंद रहता है, वैसे उनके यहाँ भी द्वार बंद था और जय विजय खड़ा था वहाँ पर में। जय विजय उनका जो है सो वो था पार्षद, यानी कि क्या कहते हैं उसको, गेट के बाहर जो रहते हैं गार्ड के रूप में वो थे। महर्षि ने कई बार आवाज़ दी, जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया और कहा कि प्रभु अभी आराम में हैं। उन्होंने कुछ क्षण इंतज़ार किया, कुछ देर इंतज़ार किया, घंटे दो घंटे चार, समय बीत गए, बहुत समय जब बीत गए, फिर भी उनको जब नहीं जाने दिया गया तो ब्राह्मण तो क्रोधी, गुस्सा, कहते हैं कि ब्राह्मण तामसी नहीं होता है क्योंकि वो तामसी भोजन नहीं करते, प्याज लहसुन नहीं खाते, मीट मछली नहीं खाते, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो तो नहीं खाते लेकिन फिर भी इतना गुस्सा कहाँ से आता है। ब्राह्मण बहुत क्रोधी होते हैं, उनका गुस्सा जो है सातवें आसमान पहुँच गया, उन्होंने तुरंत गेट को धक्का मारा, गेट खुला उनका क्षीर सागर का, वो सीधा भगवान विष्णु के सैया कक्ष में पहुंच गए, बेडरूम में वो पहुंच गए जहां क्षीर सागर में वो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे, और इनका क्रोध इतना ज़्यादा हाई था कि उन्होंने दो चार बार आवाज़ भी दी, फिर भी विष्णु अपना सोए हुए हैं, लक्ष्मी मैया जो है उनकी चरण सेवा कर रही, इनका गुस्सा बहुत बढ़ गया। ये पहुंची और एक लात भगवान विष्णु के यानी कि कलेजे पर में मारा, लात यानी कि पांव से बार किया उनके कलेजे पर में, तब भगवान विष्णु का निंद खुला, यानी कि लात खाने के बाद, यानी कि मार खाने के बाद माता लक्ष्मी बहुत गुस्से में आ गई। किसी भी पत्नी के सामने अगर उसके पति का अपमान हो, पति भले ही बर्दाश्त कर ले, पत्नी बर्दाश्त नहीं करती है। वो गुस्से में आ गई जबकि वो उसके पिता थे, फिर भी कहती है ब्राह्मण तुम्हारा इतना दुस्साहस, पिता को वो कह रहे, पिता शब्द ही उन्होंने बंद कर दिया, कहा तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरे सामने मेरे पति के कलेजे पर में अपने लात से पांव से प्रहार किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज के बाद तुम्हारा कुल खानदान वंश जितना भी ब्राह्मण का है वो सब अलक्ष्मी हो जाएगा, वो सब दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, मैं लक्ष्मी उस पर मैं कभी कृपा नहीं करूंगी। अब महर्षि भृगु का थोड़ा सा पारा शांत हो गया कि भाई ये क्या हो गया मुझसे। फिर भगवान विष्णु, तब तक उनकी नींद खुल चुकी थी, अब भगवान विष्णु कितने जो है सो देखो कि मतलब उच्च स्तर का उनका, ऐसे ही भगवान विष्णु नहीं है वो, उन्होंने तुरंत उनका पाँव पकड़ लिया महर्षि भृगु का, जिस लात से महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को मारा उस लात को, उस पांव को उन्होंने पकड़ लिया, कहा ब्राह्मण देवता आप मेरा शरीर तो वज्र का है, आपको तो पांव में चोट लग गया होगा, और उसके पांव को उन्होंने दबाना शुरू कर दिया। महर्षि का गुस्सा जैसे ही थोड़ा सा शांत हुआ था कि लक्ष्मी के श्राप से उनका पारा फिर से हाई हो गया। उन्होंने कहा कि अरे लक्ष्मी सुनो, तुमको अपने आप पर में इतना गुमान है कि तुम जहां चाहोगी वहीं जाओगी, ऐसा आज से नहीं होगा, और आज मैं भृगु जा रहा हूं, एक ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा, एक ऐसे पुस्तक की रचना करूंगा, जो ब्राह्मण, जो व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ लेगा लक्ष्मी उसके पांव में वास करेगी। ये कह करके वो आ गए, और आप सब जानते हैं कि एक ज्योतिष का सबसे प्रथम पुस्तक जो है सो भृगु संहिता है, जिसमें 400,000 कुंडली महर्षि भृगु ने बनाई, और आप ये देख लें कि जिसने सही तरीके से उसका अध्ययन कर लिया उसके पास में, ज्योतिष के पास में पैसे की कमी नहीं रहती, भले ही पंडित के पास में पैसे की कमी हो, जो कर्मकांड करने वाले लोग हैं उनके पास में पैसे की कमी जरूर रहेगी, लेकिन ज्योतिष के पांव में, चरण में लक्ष्मी का वास होता है। आजकल तो UPI का ट्रांजैक्शन का समय आ गया है, नहीं तो पहले ज्योतिष से जब लोग कुंडली दिखाते थे, हस्तरेखा दिखाते थे, तो पैसा पांव पर में ही डालते, चाहे वो राजा महाराजा क्यों ना हो। तो अब तो UPI ट्रांजैक्शन हो जाता है, आज मैं भी कुंडली देखता हूँ तो मेरे अकाउंट में बैलेंस आ जाता है। इसीलिए जो एक सामान्य पंडित है वो आपको गरीब मिलेगा, क्योंकि उसने ज्योतिष की पढ़ाई सही तरीके से नहीं की है, वो जो बोल देगा वो सही साबित होगा या नहीं भी हो सकता है, ऐसी बातें रहती है।
तो दक्षिणा भी लोग उसको 100, 200, 500 रुपये दे देते हैं, और जो उस प्रकार का विशिष्ट ज्योतिष है उसकी दक्षिणा लाखों में है। आज मेरी नज़र में मेरे पास संपर्क में ऐसे ऐसे ज्योतिष हैं जो एक बार अगर आपके घर पे विजिट करेंगे तो एक बार विजिट का वो 12 लाख रुपया चार्ज करते हैं। अगर महीने में वो 2-4 लोगों के घर पर में चले गए तो उनकी आमदनी कितनी हो गई। एक महीने की आमदनी से वो क्यों ना BMW ले, क्यों ना मर्सिडीज ले, क्यों ना करोड़ों की गाड़ी ले। तो इस प्रकार की चीज़ें, मैं खुद भी आज किसी के घर पे विजिट करता हूँ तो मेरा भी चार्ज 1.25 लाख रुपया का है किसी के घर पे जाता हूँ तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो क्वालिटी जब आप में डेवलप हो जाती है तो पैसा तो आपके पीछे पीछे आने लगता है। तो यकीनन अभी बात करते करते मैं पैसे पे चला गया, पैसे पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी पैसे मेरे पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज वास्तु शास्त्रों को लेकर बहुत तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से लोगों को ठगने का काम करते हैं कि इस तरह से घर बनाओ, इस तरह से बन गया है तो इस तरह से तोड़ो, इस तरह से फिर करो, मतलब इस तरह से लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों से स्कैम किया जा रहा है। तो इस मामले को किस तरह से आप देखते हैं? सही बात है, वास्तु शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अभिन्न अंग। वास्तु शास्त्र के नाम पर में आज के समय में लोगों का इतना पैसा ठगा जा रहा है, आप यकीन नहीं करोगे। एक व्यक्ति है जो वास्तु शास्त्री है, बहुत बड़ा स्कैमर है वो। उसका एक किताब है महावास्तु करके, उस किताब की कीमत 1.25 लाख रुपए है। किताब की कीमत 1.25 लाख रुपए है, अब ये समझो। और उस व्यक्ति के ऊपर, वो जबकि वास्तु शास्त्री है, उसके ऊपर में कई करोड़ों के गबन के आरोप हैं। कई लोगों के उसने पैसे इस प्रकार से ठग लिए, बड़े बड़े अरबपति के, जो उसने केस उसके ऊपर में कोर्ट में आज भी केस चल रहा है। वास्तु शास्त्र ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है, काम करता है। वास्तु शास्त्र का उदाहरण मेरे पास में खुद है, किस प्रकार से मेरा एक परिवार है रिश्तेदार का जो बर्बाद हो गया, करोड़पति से आज रोडपति हो गया, उसकी बात मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये सच्चाई है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार, जैसे कि मान लो कि किचन है हमारा, किचन अग्नि तत्व का है, यानी कि किचन में हम लोग आग जलाते हैं। पहले लकड़ी पे खाना बनाते थे तो आग जलाते थे, आज गैस पे बनाते हैं तो आग जलाते हैं, नहीं तो अग्नि तत्व का है। तो अग्नि तत्व के चीज़ों को, आग को उठा करके अगर पानी के डायरेक्शन में डाल दिया जाए तो आग तो बुझ जाएगा, तो उसका तो दुष्प्रभाव होगा। तब तो आपको आग से संबंधित, यानी कि जो भोजन करते हो, यानी कि पेट से संबंधित परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। तो अग्नि तत्व से संबंधित, चाहे आपका टीवी हो, भोजन की चीज़ें हो, फ्रिज हो, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी अग्नि तत्व से संबंधित आइटम है, वो सब अग्नि कोण में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा जैसे कि पानी का डायरेक्शन है। अब मान लो कि पानी का डायरेक्शन उत्तर और पूर्व का दिशा को ए ग्रेड में रखा गया है कि पानी आपको उस दिशा में चाहिए, उस दिशा के मालिक वरुण देवता है। आपने पानी को उठा करके लैटरिंग वाले दिशा में डाल दिया जो राक्षस का दिशा है। अब आप वो दूषित पानी, उस दिशा का प्रभाव आपके ऊपर में निश्चित तौर पर पड़ेगा। उस दूषित पानी को पियोगे तो वो पानी जो गंदगी वाला है आपके शरीर में उसका प्रभाव पड़ेगा, आपका धीरे धीरे करके नुकसान होने लगेगा शारीरिक तौर पर, परिवार में सब लोग बीमार होने लगेंगे, आप लाखपति करोड़पति क्यों ना हो बीमारी में इतना पैसा जाने लगेगा कि आपका दिवालिया निकल जाएगा। अब मान लो आप, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार से अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग चीज़ों का है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तु शास्त्र को नहीं जानते, उन्होंने पुस्तक का अध्ययन नहीं किया सही तरीके से, उन्होंने ना ही मुहूर्त चिंतामणि पढ़ी, ना ही विश्वकर्म प्रकाश पढ़ा, ना ही वास्तु शास्त्र का कोई प्रमाणिक ग्रंथ पढ़ा, और कुछ ऐसे ही नेट से, यूट्यूब से, गूगल पर में आज आप निकालोगे तो आपको एक एक विषय के बारे में इतनी गलती गलती चीज़ें दी हुई हैं कि कहेगा कि किचन को उठा करके आपको जल वाले साइड में दिलवा देगा। अच्छा, वो डाला किसने? मेरे आपके जैसे लोगों ने ही डाला है गूगल पर में। कौन डाला? जिसे ज्ञान नहीं है। आप जब मेरे पास जब लोग कुंडली दिखाते हैं, कल मैं एक किसी की कुंडली देख रहा था, मैंने उसे कहा कि आपको जो है सो मोती रत्न पहनना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने उसे बता दिया, उसके शुभ फल बता दिए कि क्या होगा। उसने गूगल से उठाया और लेकर के मेरे पास में वो स्क्रीनशॉट भेजा कि गुरुदेव आपने तो कहा कि मैं पहन सकता हूँ, लेकिन मेरा ये लग्न है और इसमें दे रहा है कि आप पहन ही नहीं सकते, इस राशि के लोग, लग्न के लोग नहीं पहन सकते। अब वो देखो अधूरा ज्ञान है, उसके पास में पता नहीं है कि लग्न मायने रखता है, लेकिन जिसने उस जगह पर में लिखा है उसको पता नहीं कि चंद्रमा का किस जगह पर में होना अच्छा है, योग कारक है, मारक है, किस स्थिति में है पहनना। तो वही है वास्तु शास्त्र के बारे में यूट्यूब पर में, गूगल पर में, अथवा ज्योतिष के बारे में ही इतनी ज़्यादा ठगी हो रही है, इतनी ज़्यादा गलत जानकारी लोगों ने डाल रखी है कि आपका जो प्रश्न है कि वास्तु शास्त्र के नाम पर में लोग ठगते हैं, ये सच्चाई है, लोग ठगते हैं। अब मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने लाखों रुपये बर्बाद कर दिए, किसी का घर तुड़वा दिया, किसी का बाथरूम तुड़वा दिया, किसी का लेटरिन तुड़वा दिया,
और सही जगह पे था फिर भी तुड़वा दिया। मेरा एक छोटा सा एग्जांपल अपने परिवार का है, मेरे नानी के यहाँ का है। मेरे नाना जी बैंक में थे और अच्छा खासा पैसा कमाते थे, शरीर से भी बहुत पावरफुल थे, 2.25 क्विंटल का उनका वजन था। मतलब जिस वस्तु को आप उठा नहीं सकते उन चीज़ों को उठा करके फेंक देते थे, वो इतना पावरफुल थे, शरीर में ताकत थी, सत्ता का पावर था और हाथ में पैसा था। कहते हैं कि जब शरीर में ताकत रहे अगर पर्याप्त किसी के पास, तो अनर्थ करने के लिए वही काफ़ी है। वो आएगा, उसको थोड़ा सा दिमाग गर्म होगा, वो एक फेंट यहाँ पर मारेगा, दिवाली टूट गया, अब लो अनर्थ हो गया, अब इसको आप जुड़वाते रहो। अच्छा, ताकत भी है और ऊपर से पैसा भी आ जाए, तब वो कितना अनर्थ कर सकता है। उठेगा, किसी का गला काट दिया, कहेगा जो होगा उससे मैं देख लूँगा, कोर्ट में जितना पैसा लगेगा मैं, कितना अनर्थ हो गया। उसी प्रकार की स्थिति थी मेरे नाना जी के पास में, ताकत भी था, पैसा भी था, नौकरी भी थी, सत्ता का राजनीति में भी पकड़ था। आज से 20-25 साल पहले की बात है, उन्होंने, हम लोग छोटे छोटे थे, 7-8 साल का मेरा उम्र उस वक्त रहा होगा, उन्होंने पुराने मकान को तोड़ करके नए मकान बनाने का प्रयास किया। तो उन्होंने जब मकान को सारा नक्शा तैयार किया, तो मेरे पिताजी वास्तुशास्त्र के अच्छे जानकार, उन्होंने कहा कि बाबूजी, नाना जी को, यानी कि ससुर को हमारे यहाँ पिताजी, बाबूजी या पप्पा, जो लोग जैसा कहते हैं वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि बाबूजी, इस प्रकार का जो आप मकान बना रहे हो, ये सूर्यमंडल है, इसको मत बनाओ आप। आप इस प्रकार से करो कि उत्तर और दक्षिण का साइड थोड़ा ज़्यादा कर दो और पूर्व पश्चिम का कम कर दो, नहीं तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना, ओ मिसर जी आप अपना इसमें वास्तुशास्त्र वाला दिमाग मत लगाइए, इस प्रकार से कह करके उन्होंने बातों को टाल दिया। पिताजी ने फिर मकान बनना शुरू किया, फिर दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, क्योंकि उनको इस बात का अनुभव था कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। अच्छा, वास्तुशास्त्र का एक चीज़ क्या है कि तुरंत आपको दुष्परिणाम पता नहीं चलता है, उसके लिए आपको 5 साल 10 साल 20 साल इंतजार करना पड़ता है, तब उसका बहुत भयंकर दुष्परिणाम निकल करके सामने आता है। उन्होंने बातचीत की, उन्होंने बात नहीं मानी, पिताजी ने उस जगह पे जाना बंद कर दिया, सूर्यमंडल मकान बन गया। उस वक्त में उस परिवार में 5 लाख रुपये की आज से 20 साल पहले की इनकम थी। सूर्यमंडल मकान बन गया, सब हो गया, घर गृह प्रवेश वगैरह हुआ, खूब आनंदित से सब लोग रहने लगे। अब 1 साल बीता, 2 साल 3 साल बीता, कहीं कोई विशेष परेशानी नज़र नहीं आ रही है, सब ठीक है। 3-4 साल जब बीत गया, तो मेरे नाना जी को लकवा मार दिया और भयंकर बीमारी के चपेट में आ गए। वो फिर ठीक नहीं हो पा रहे थे, लाखों रुपए खर्च किए फिर भी ठीक नहीं, फिर दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, घर में एक के बाद एक सब लोग बीमार पड़ने लगे। मेरे मामा दोनों इस प्रकार से हो गए कि नशे में पूर्ण रूप से डूब गए, जो नशा करते थे मगर कभी कभी करते थे, वो डूब गए नशा में। उनकी संपत्ति धीरे धीरे बिकने लगी। कुछ समय बीता, 10 साल के अंदर में, यानी कि मकान बनने के 10 साल के भीतर में नाना नानी दोनों की जिंदगी समाप्त हो गई, दोनों मर गए। और समय बीता 5 साल और, यानी कि 10 से 15 साल जब हुआ, तो ये समझो कि जितना भी पैसा था वो समाप्त हो गया। अब ये स्थिति हो गई कि खाने पर में आफत हो गया, जो कैसे खाएं, सुबह में जो खाएं सो कहाँ से आए और शाम में खाएं वो कहाँ से आए, इस प्रकार की स्थिति हो गई। और क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ज़मीन बिकने लगे। आज उस मकान में रहने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है, हर कोई रोड पे आ गया, कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है, खाने तक के लाले पर गए, कर्ज में वो लोग डूबे हुए हैं जो उस समय मकान की बात नहीं माना। तो वास्तुशास्त्र है, उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन लोग इसका नाजायज फ़ायदा उठाते हैं गलत जानकारी दे करके। मेरे जैसे किसी आदमी के लिए जिसे ना वास्तुशास्त्र का ज्ञान है ना ज्योतिषी का ज्ञान है, उसके लिए क्या संदेश होगा कि जिस तरह से आज देखा जाता है कि बहुत तरह की गलत फहमियां फैलाई जाती है और अलग अलग तरह के अलग अलग लोग जो खुद को एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, जो खुद को ज्योतिषी बताते हैं और ठग लेते हैं, तो बहुत सारी तरह की गलत फहमियां चल रही हैं, उन गलत फहमियों के बारे में आप क्या कहेंगे? और सबसे पहले तो ये कि किस तरह की गलत फहमियां आपके सामने दिखती होंगी आपको डेली लाइफ में, और उनको दूर करने का क्या? सही बात है, आज एक सामान्य जनमानस जो है उसको तो ये पता नहीं है कि राजा मिश्रा अच्छा ज्योतिष है या आदित्य कुमार रवि अच्छा ज्योतिष है, या वो जो मनीष कुमार बैठा हुआ वो अच्छा ज्योतिष है, या वो जो बहुत बड़ा चंदन करके जो बैठे हुए हैं पंडित जी, हाथ में भी लगाए हुए हैं, कान में भी लगाए हुए हैं, इधर नाभि में भी लगाए हुए हैं, मस्तक में भी पूरा, वो बड़े ज्योतिष हैं, उसको तो पता नहीं है। वो कैसे इसका निर्णय ले? एक सामान्य व्यक्ति इस बात का निर्णय ही नहीं ले सकता,
उसको पता ही नहीं हो सकता कि कौन अच्छा ज्योतिष है, क्योंकि आज के समय में जिसने भी लाल चंदन, उजला चंदन, पीला चंदन करके कहीं पर में बैठ के आज वही पंडित हो गया, वही ज्योतिष हो गया, चाहे उसे ओम का ज्ञान हो या ना, वो ओम का भी सही तरीके से उच्चारण कर पाए या ना, वो त्वमेव माता जो पिता त्वमेव भी सही तरीके से पढ़ पाए या ना, लेकिन चंदन कर लिया तो वो पंडित हो गया। किसी का हाथ देख करके बता दिया, अच्छा बेटा बच्चा तुम्हारा हाथ है, हाँ तुम तो राजा बनोगे। अब वो राजा बनने वाला वो बनेगा कि नहीं, वो बहुत खुश हो गया, बाबा बहुत बढ़िया है, बाबा ने बताया कि राजा बनेगा। अच्छा बाबा राजा कब बने? 10 साल के बाद तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब 10 साल के बाद ना ही वो बाबा मिलेगा और ना ही वो व्यक्ति राजा बनेगा। सामान्य मानवीय इस बात का कभी निर्णय नहीं कर सकता जब तक कि उसको अपने भूतकाल के बारे में ना बताया जाए। जैसे मेरे पास अगर कोई कुंडली दिखाने के लिए आया, मैं कुंडली देखूंगा तो मैं ये बताऊंगा कि अभी आपके जीवन में ये सब घटनाएं हो रही हैं। अगर 90% से ऊपर बातें अगर मिल रही हैं तब तो मैं एक सच्चा ज्योतिष हूँ, नहीं तो मैं उस व्यक्ति को ठग रहा हूँ, मैं एक झूठा हूँ। तो इसीलिए जब भी किसी ज्योतिष के पास में जाएं, आप जाओगे तो आपको फीस तो देना ही पड़ेगा, पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। जब भी राजा से, संत महात्मा से, ज्योतिष से, पंडित से मिले तो खाली हाथ ना मिले, निश्चित तौर पर कुछ ले करके ही आपको जाना पड़ेगा। तो जब भी किसी ज्योतिष से मिले तो उसे आप भविष्य के बारे में ना पूछें, ना ही ये जानने की कोशिश करें कि मेरे जीवन में 20 साल बाद क्या होगा। नहीं, ये प्रश्न आपका बाद का होना चाहिए। पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि आप ज्योतिष जी, मिश्रा जी, आपके पास मैं आया हूँ, आप ये बताओ कि अभी मेरे जीवन में कैसा क्या समय चल रहा है। अगर मैं अभी के बारे में आपको 90% ऊपर अगर बताया सही, तब तो मैं ज्योतिष नहीं तो फोतिष, ठगने वाला, ठग हो गया मैं। इस प्रकार से आप निर्णय लें। ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि हर चीज लिखा हुआ है, कि जो होना है वो लिखा हुआ है, जो हो चुका है वो लिखा हुआ है, और आगे वाले जन्मों की भी बातें लिखी रहती है ज्योतिष शास्त्र में, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। तो जब सब कुछ लिखा ही हुआ है तो ये क्यों कहा जाता है कि कर्म का फल मिलेगा? जब सब कुछ पहले से ही निर्धारित है तो कर्म की कहाँ महानता रह गई? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और बहुत बड़ा प्रश्न किया आपने। एक सामान्य मानवीय के मन में ये बात हमेशा आती है, मेरे पास हमेशा लगभग जब भी ऐसा कोई तर्कशास्त्री मिलता है, तर्क करने वाला व्यक्ति मिलता है, तो यही प्रश्न करता है कि मिश्रा जी मैं आपका फीस जमा कर दिया है मैंने, लेकिन मेरा प्रश्न ही यही है कि अगर मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है वही हमें प्राप्त होगा तो कर्म करने की आखिर जरूरत क्या है? मैं कर्म क्यों करूँ? मैं तो अपने बंगले पर सोया रहूँगा, IPS बनने का योग है, परीक्षा देने की जरूरत क्या? बन जाऊंगा कभी नीतीश कुमार से, कभी नरेंद्र मोदी से, कभी अरविंद केजरीवाल से, कभी भगवंत मान से, जो भी मुख्यमंत्री है वहां से लेटर आ जाएगा कि आज से आदित्य कुमार रवि आप IPS के पद पर विराजमान होते हैं, आज से आप संभाले। मैंने कोई कर्म नहीं किया, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। बिना कर्म का भाग्य का निर्माण नहीं हो सकता। आप जब तक देखो, पहले भगवान ने दो चीजें दी। देखो ये हाथ है, ये इस हाथ में आप देखते हो बहुत सारी रेखाएं हैं। जब ज्योतिष आपके हाथ देखते हैं तो ये रेखाओं को देख करके कहते हैं अच्छा जीवन रेखा आपका लंबा है, आप 100 साल जियोगे। अच्छा भाग्य रेखा आपका थोड़ा कमजोर है, भाग्य भरोसे काम नहीं होगा आपका। अच्छा ज्योतिष ने आपकी हस्तरेखा देखी, हाथों में रेखा को देखा, लेकिन आप ये देखें कि रेखाओं से पहले आपकी उंगलियां हैं। कोई भी काम जब आप करते हैं तो उंगुलियों से करते हैं, एक कलम जब आप पकड़ते हैं तो उंगुलियों से पकड़ते हैं, यानी कि भाग्य से पहले ईश्वर ने आपको करने की क्षमता दी। भाग्य नीचे है, भाग्य जो है सो नीचे है और ये उंगुली हमारा ऊपर है। नहीं, उंगुली ये जो है सो कर्म करने के लिए दिया गया है। आप अच्छा हमारे सनातन धर्म में एक बात है, आप मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कर्म का फल कैसे होता है, ये आप देखो। आज आप एक विद्यार्थी हो, किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, आप क्लास 5 के विद्यार्थी हो, मास्टर साहब ने, गुरुजी ने आपको याद करने के लिए दिया कि आपको ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट आपको याद करके लाना है। वो कर्म करने के लिए सर ने आपको, गुरुजी ने दे दिया, कल हो करके आप याद करके नहीं ले गए, ये आपकी गलती हुई, यानी कि आपने अपने कर्म को सही तरीके से नहीं किया। अब गुरुजी अपने कर्म को सही तरीके से करेंगे, वो एक डंडा लेंगे आपके हाथ पर में, कहेंगे कि जितना नहीं याद है उतना डंडा मारूंगा। नहीं तो आपने कर्म जो नहीं किया तुरंत आपको उसका परिणाम मिला। आज आप 10th का 11th का 12th का ग्रेजुएशन का किसी भी प्रकार का एग्जाम देने के लिए आप गए, आप वहां पर में सही तरीके से पढ़ के नहीं गए, इसके कारण से आप सही तरीके से लिख नहीं पाए। जब आप लिख नहीं पाए तो आपको
रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई, यानी कि एक के बाद एक कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा, जब हम लोग कुंडली देखते हैं तो जैसे कि मान लो कि आज किसी बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी कुंडली हमने देखी, उसके कुंडली में हमने देखा कि ये बच्चा जो है पिछले जन्म में भी मनुष्य था और इसकी मृत्यु जो है जो राहु के महादशा में पूर्व जन्म में हुई थी, राहु का महादशा इतने समय का होता है, इसने इतना भोग कर लिया और जितना उसने भोग किया है अब वहीं से उसका फिर समय चालू होगा। ये जो धरती है ये कर्म भूमि है, ये इसको मृत्यु लोक कहा गया है। आपको बार बार जन्म लेकर के आपके द्वारा जो किया गया कर्म है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, अच्छा कर्म मैंने किया अभी, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके मन में बार बार ये प्रश्न उठता होगा कि किसी कोई व्यक्ति है जो बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत धर्म कर्म करता है, दान पुण्य खूब करता है, संत महात्मा की सेवा खूब करता है, फिर भी वो सबसे ज्यादा तकलीफ में वही रहता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आज वेश्यावृत्ति कर रहा है, उस लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है, कहीं डकैती कर रहा है, कहीं हत्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है, झूठ बोल रहा है, खूब मतलब छल प्रपंच कर रहा है, बहुत प्रसन्न है, आनंद से राजाओं के जैसा जीवन जी रहा है, ऐसा आप में से ज़्यादातर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है और हमारे पास ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा पूछते हो जी। तब इस जगह पर में कर्म की कहाँ प्रधानता रही? जिसने गलत काम किया उसको अच्छा फल मिल गया, जिसने सही काम कर रहा है उसको बुरा फल मिल रहा है, तो इसका अर्थ क्या कि गलत ही किया जाए? ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक कारण है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि कई जन्मों का लेखा जोखा हमारा चलता रहता है, कई जन्मों का। आज हो सकता है कि मैं अगर राजा मिश्रा हूँ तो हो सकता है 1000 वर्ष पहले जो है 5000 वर्ष महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें मैं कोई सैनिक होऊंगा, हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई चोर होऊंगा मैं, हो सकता है पिछले जन्म में मेरा कोई बहुत बढ़िया पुण्य किया हुआ होगा जिसका प्रभाव मुझे अभी मिल रहा है। इसके पीछे एक छोटा सा कारण है देवी और सज्जनों, में बता देता हूँ कि दो लोग थे, एक दो मित्र थे, एक जो था सो बहुत बुरा कर्म करता था और एक बहुत अच्छा कर्म करता था। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति बहुत आनंद में रहता था और जो अच्छा कर्म करता था वो बहुत दुखी रहता था। दोनों मित्र एक ही रास्ते से जा रहे थे, कहीं से क्या हुआ कि उस रास्ते पर में सोने से भरा हुआ एक मटका रखा हुआ था। एक मित्र वहां से जा रहा था जो अच्छा कर्म करने वाला था, उसको वो मटका नहीं दिखा, और जो बुरा कर्म कहीं से वेश्यावृत्ति करते हुए आ रहा था, कहीं से चोरी करते हुए आ रहा था, किसी की हत्या करते हुए आ रहा था, वो आया कहा अरे ये सोना से भरा हुआ मटका मेरे पास, भगवान का कितना कृपा है, देखो मैंने उधर एक व्यक्ति की हत्या की तो ईश्वर और प्रसन्न हो गया, मुझे सोना से भरा हुआ मटका दे रहा है। वो मटका ले लिया, जो अच्छा व्यक्ति था वो चला गया, जो बुरा व्यक्ति था उसको सोना मिल गया। किसी ने ईश्वर से पूछा कि ईश्वर तुम कैसा अन्याय कर रहे हो कि वो जो धर्मात्मा है तुम्हारा भक्त है उसको तुमने दुखी बना दिया, उसको मटका दिखा ही नहीं और जो चोर था उसको मटका दिख गया, वो सोना से और राजा हो गया। ईश्वर ने जवाब दिया कि देखो इसके पीछे कारण है, ये जो व्यक्ति आज मटका जिसको मिला है सोने से भरा हुआ, वो पूर्व जन्म में एक राजा था, बहुत बड़ा आदमी था, एक सेठ साहूकार राजा के समान धनवान था। उसने जो है सो बहुत धर्म कर्म किए थे, बहुत। इस जन्म में उसको राजा बनना था, इस जन्म में उसको करोड़पति अरबपति खरबपति बनना था, लेकिन वो जो चोरी करके आ रहा है, वो जो हत्या करके आ रहा है, वो जो वेश्यावृत्ति कर रहा है, गलत काम जो कर रहा है, उससे उसके पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म थे वो छीन हो गए और अब उसके भाग्य में बस एक मटका भर ही पैसा बचा हुआ रह गया। अब वो राजा नहीं बन पाएगा, अब वो बस उतना से ही संतोष करेगा। वो कहा कि और वो जो अच्छा कर्म अभी भी कर रहा है वो? कहा नहीं नहीं, वो जो था सो बहुत बुरा व्यक्ति था, इस जन्म में वो मेरा भजन जरूर कर रहा है, इस जन्म में वो कीर्तन जरूर कर रहा है, इस जन्म में वो सभी लोगों की मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, एक से बढ़कर के एक अच्छे से अच्छे काम कर रहा है, लेकिन पूर्व जन्म में वो डाकू था, वो एक दूसरे को मारता था, काटता था, लूटपाट करता था। उसका पूर्व जन्म का कर्म इतना खराब है कि अभी उसको एक एक दाने के लिए तरसना था, लेकिन क्योंकि मेरे शरण में है, वो मेरी भक्ति करता है, पूजा करता है, दूसरों की मदद करता है, तपस्या कर रहा है, सदाचार कर रहा है, परोपकारी है, इसलिए आज उसे कम से कम भोजन सही तरीके से मिल पा रहा है। अर्थात कर्म और भाग्य कई जन्मों से जुड़े होते हैं। कोई आपने देखा होगा क्लास में दो विद्यार्थी है, एक जो आपसे बहुत कमजोर था पढ़ने में,
आज वो किसी बड़े पद पे पहुंच गया, एक जो आप से बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था आज भी वो स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास में नौकरी तक नहीं मिल पा रही है, इस प्रकार की चीज़ें आपने देखी होंगी। ऐसा क्यों? इस जन्म में तो वो तेज था और ये कमज़ोर था, ये पूर्व जन्म का कर्म है। किसी का मुकेश के अंबानी के घर में जन्म हो गया, जन्म से ही खराब पति हो गया, और कोई रोड पर में जन्म लिया है जिसको भोजन तक का समस्या है। ऐसा क्यों? ये पूर्व जन्म का कर्म है जिसका फल हमें हमेशा, जब तक हम भोग न लें तब तक हमें बार बार जन्म लेकर के पुनरप जन्मन, कहते हैं कि पुनर्जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना पड़ता है और उसके फल को भोगना ही पड़ता है। आजकल कर्म की ही बात चल रही है तो कर्म के नाम पर चीज़ों को जस्टिफाई करने की बहुत भयानक कोशिश होती है कि उसके जीवन में दुख है तो उसके कर्म का ही फल है। लेकिन देखा यह भी जाता है कि जिनके जीवन में सब समृद्धि है, सुख है, शांति है जिनके जीवन में, वो कहते हुए पाए जाते हैं कि उसके जीवन में दुख है तो उसके कर्मों की वजह से ही दुख है, फिर मैं उसके कर्मों को बदलने वाला कौन होता हूँ, मैं उसके जीवन को क्यों आसान कर दूँ। तो क्या ये गलत है कहना, ये सोचना गलत है या सही है? अच्छा, ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है कि आज कोई गरीब है वो तो अपने कर्म के फल के कारण गरीब है, अब मैं अमीर हूँ, मैं करोड़पति, मैं अरबपति हूँ, मैं उसे 100 रुपया क्यों दूँ, मैं उसे 500 से मदद क्यों करूँ, मैं उसे 5 लाख क्यों दूँ, उसका तो कर्म ही खराब है जिसके कारण से वो गरीब है। अच्छा, वो गरीब है अपने कर्म खराब होने के कारण, लेकिन आप अमीर हैं, आपके पास में पैसा है, आप अमीर हैं अपने अच्छे कर्म के कारण। नहीं तो आपके मन में ये प्रश्न उठा कि मेरा कर्म अच्छा था तो मैं अमीर हूं, उसका कर्म बुरा था तो वो गरीब है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो कि अब आप अच्छा कर्म करना नहीं चाहते, अब आप परोपकार करना नहीं चाहते, आप जो उसे 500 दे रहे हो वो आप उसे नहीं दे रहे हो, आप वो अपने लिए दे रहे हो। आज 500 उसे दे रहे हो तो आपके मन में ये भाव है कि कल हो के मुझे 5000 प्राप्त होगा। नहीं, कहते हैं कि एक पैसा अगर आप किसी को देते हो तो उसको 10 गुना करके लौटाना पड़ता है। नहीं, आज अगर मैं आपसे 500 रुपये ले लूं और आपको कुछ ना बताऊं, पैसा लेकर के मैं आपका नंबर ब्लॉक करके साइड हो जाऊं, वो 500 रुपया मुझे 5000 नहीं 5 लाख बनकर के मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। अभी नहीं तो 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, अगले जन्म में मुझे लौटाना ही पड़ेगा। कर्म के फल को विधाता भी बदल नहीं सकते, उनके पास भी ये शक्ति नहीं है। तो इसीलिए आप उसके भाग्य को नहीं बदल रहे हो, आप आगे भी आपका अच्छा चले इसलिए आप वो काम कर रहे हो। आप मत करो, आप वो गरीब है बैठा हुआ रोड पर, आप जाओ उसे दो फेंट मार दो आप उसे आप जो है जो अच्छा और बुरा कर्म कर लो, वो तो गरीब है, उसको तो मार खाना लिखा हुआ था, आप गए 2 फेंट आपने मार दिया उसे, तो इसीलिए वो आपने बुरा कर्म किया। अब वो आप कमजोर है, वो आपको कुछ नहीं करेगा, कोई आएगा आपको 50 फेंट मार देगा आकर के, आपका मुंह कान फोड़ देगा, तो उसने अब आपका कर्म का बदला 2 फेंट के बदले 50 फेंट आपको मिल गया। यही जो है सो बात है, इसलिए जरूरी है। आज अभी बातचीत में आपने क्लासेस की बात की, 5वीं 10वीं 11वीं 12वीं, हर जगह साइंस का बहुत महत्व है और आजकल जीवन में साइंस साइंस हर जगह, और देखा भी जाता है कि लोग अपने धर्म को साइंस के माध्यम से जस्टिफाई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन देखने में ये भी मिलता है कि जो ज्योतिष शास्त्र है ये बहुत ज़्यादा ही साइंस से रिलेटेड है और कई जगह लोग कहते भी हैं कि साइंटिफिक है सब कुछ, तो आप क्या मानते हैं ये साइंस और ज्योतिषी आपस में एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं और किस तरह से आपसी संबंध? ज्योतिष शास्त्र जो है सो पूरा का पूरा मैथ है, गणित है, वो आपका कैलकुलेशन जितना एक्यूरेट होगा आप ये तक बता सकते हो कि अभी 2 मिनट पहले तुम क्या खा करके आए हुए हो, अभी 2 मिनट बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यहाँ तक आप ज्योतिष के थ्रू बता सकते हो। आपने एस्ट्रोलॉजी सुना है, आपने एस्ट्रोनॉमी भी सुना होगा। आज जितना भी स्पेस साइंस है, चाहे हमारा हिंदुस्तान का चंद्रयान की बात हो, मंगलयान की बात हो, अथवा किसी भी यान की बात हो, हवाई जहाज है, आज मोबाइल है, फोन है, ये सब एस्ट्रोलॉजी पर में डिपेंड है। ये आप कहेंगे कैसे? अच्छा, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें 9 ग्रहों को पहले से ही बताया गया है। मान लो कि साइंस आज 5000 साल पहले, 2000 साल पहले, 1000 साल पहले आया और उसने खोज शुरू की। उसने क्या किया? खोज शुरू किया। उसने चंद्रमा का निर्माण नहीं किया है, उसने सूर्य का निर्माण नहीं किया है, उसने खोज किया कि भाई ये जो एक उजला वाला दिख रहा है आकाश में, ये चंद्रमा है, ये
अच्छा ये लाल कलर का है, ये लाल कलर वाला जो पृथ्वी जैसा दिख, ये मंगल है, ये आपने उसे खोज किया, वो पहले से था हमारे पास में, और जो पहले से था हमारे ग्रंथों में उसके बारे में लिखा हुआ है। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों का कनेक्शन पूरा है। स्पेस साइंस पूरा जो है सो एस्ट्रोनॉमी पर में आधारित है। आपका स्पेस से संबंध, चाहे वो हवाई जहाज हो, पूरा एस्ट्रोनॉमी है। कितने डिग्री पर में उसको चलाया जाएगा, कहाँ से चलाया जाएगा जिससे कि दूसरा हवाई जहाज आकर के ना टकरा जाए, अथवा वो चल रहा है ऊपर आकाश में और आप नीचे से यहाँ मॉनिटर कर रहे हो, देख रहे हो स्पेस में, कहीं वो अच्छा चलते चलते कहीं वो मंगल यान पर में तो ना चला जाए, चंद्र ग्रह पर में तो ना चला जाए, अच्छा कहीं चलते चलते वो समुद्र में तो ना गिर जाए, ये सब कैलकुलेशन है आपका, ये सब मैथ है, ये एस्ट्रोनॉमी है, ये एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों का जिसका ज्ञान हो, जिसको, मेरे एक दादाजी थे वो इतने बड़े ज्योतिष थे, मैं थोड़ा सा समय लूँगा, मैं आपको बताऊँ कि ये बात आज से लगभग 25 से 30 साल पहले की होगी। उस वक्त ज्योतिष विद्या का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन कुछ एकाध ज्योतिष ऐसे थे जो इतने प्रकांड थे कि जो कह देते थे वही हो जाता था। अब मेरे पास एक मंदिर है बजरंगबली का, वहाँ पर मैं हनुमान जी का हम लोगों ने बनवा रखा है, वहाँ पर वो बैठे हुए थे, मेरे पिताजी भी थे, एक डॉक्टर साहब थे, वो उस रास्ते से अपने स्कूटर से, उस वक्त स्कूटर ज़्यादा हुआ करता था, स्कूटर से जा रहे थे अपने क्लिनिक पर में। उन्होंने दादाजी को प्रणाम किया कि पंडित जी प्रणाम। उन्होंने उसे आशीर्वाद देने के लिए उसकी तरफ देखा, नज़र दिया। अच्छा वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने उसके चेहरा को देखा, मस्तक को देखा, और जब तक उन्होंने एकाध मिनट में कैलकुलेशन करने की कोशिश की तब तक वो स्कूटर से थोड़ा दूर निकल गए, 100-200-300 मीटर निकल गए वो। उन्होंने तुरंत पिताजी को और भी चाचा लोग जो थे बैठे हुए उन लोगों को कहा कि अरे उसको रोको, जल्दी डॉक्टर को वापस बुलाओ, जल्दी बुलाओ उसको। सब कहा कि क्या हो गया आपके पेट में दर्द तो नहीं होने लगा, क्या हो गया आपको, क्यों बुलाने की बात कर रहे हो, सर में दर्द हो रहा है, क्या कोई परेशानी हो गई आपको। कहा मुझे परेशानी नहीं हुई है, इसका अभी एक्सीडेंट होने वाला है, अभी जो है इसके हाथ पांव टूटने के योग नजर आ रहे हैं। कहा कि लगता है बाबा पागल हो गए हैं शायद, उनकी उम्र लगभग 75 के करीब। सब लोगों ने कहा कि बाबा का मस्तिष्क सब काम नहीं कर रहा, ये इतना बढ़िया जा रहा है, बाबा करें उसका पाँव टूटने वाला है, पाँव कैसे टूट जाएगा भाई। सब लोगों ने उनके बातों को मजाक में उड़ा करके छोड़ दिया बातों का, कैसे ही अब वृद्ध हो गए हैं तो बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। नेट आधा घंटा बाद वो डॉक्टर साहब एक रिक्शा पर में, स्कूटी सहित एक दूसरे रिक्शा पर में, और डॉक्टर साहब एक रिक्शा पर में, उसको कहते हैं लाद के लाना, यानी कि उसको उस पर में लोड करके, डॉक्टर साहब अपना मुरझाए हुए हैं, पड़े हुए हैं, सर में चोट लग गया, खून बह रहा है, पाँव पूरा फट गया है, पूरा फुला जा रहा है पाँव, वो उस मंदिर के पास आए। दादाजी ने देखा, कहा कि ये देखो पिताजी को, वो सुशील कहते थे, उनका नाम सुनील है, वो उसको सुशील कहते, सुशील ये देखो क्या हुआ, इस डॉक्टर की तो एक्सीडेंट हो गई, दुर्घटना हो गई। उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब कैसे हुआ, आप तो बहुत अच्छे तरीके से जा रहे थे। उन्होंने कहा क्या कहें पंडित जी, वो मूर्छा अवस्था में ही हैं लेकिन बोल पा रहे हैं, हाथ पाँव में चोट है भयंकर। उन्होंने कहा क्या कहूँ पंडित जी, रास्ते से जा रहा था, एक बकरी जो है बकरा वो दौड़ करके इधर से उधर गई और रस्सी मेरे वो चक्का में फंस गया, गाड़ी गिर गई, रोड पर चोट लग गया, सर में भी चोट लग गया और पाँव भी लग रहा है कि अब टूट गया है। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा ज्योतिष का गणना बिना कुंडली की जाँच किए हुए। एक और घटना है छोटी सी, एक लड़का था जो उसी मंदिर पे वो बैठे हुए थे, आया दूसरे मतलब पड़ोस का था, दूसरे मोहल्ला का था, वो बैठे हुए थे वहाँ पर, मैं आया वो और पूजा वगैरह करके और फिर उनको प्रणाम किया, उसने प्रणाम किया उसने, तो उन्होंने ऐसे करके देखा उसे, देखा तो उन्होंने ये क्षण मात्र में कैलकुलेशन कर लिया कि इस लड़के की मृत्यु 2 घंटे के अंदर में होने वाली है। उनके मन में ये बात आ गई, अब इसे यहाँ से जाने के लिए कैसे कहूँ। तुरंत वो गुस्से में आ गए, अब किस प्रकार से ज्योतिष को अपना तरीका बदलना पड़ता है, वो गुस्से में तुरंत आ गए, कहते चट्टा कहाँ कहता है, मतलब हमारे यहाँ की भाषा है ये चट्टा बेहुदा, यानी कि उसको गाली देने लगे, माँ बहन तक का गाली देने लगे वो।
और उसको अब वो बेचारा बड़ा मतलब डर गया वो कि ऐसा क्या, वो बाबा को प्रणाम किया, बाबा का दे यशस्वी बाबा चिरंजीवी बाबा, ये गाली देना उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत गुस्से में आ गए सब लोग, वहाँ पर हंसने लगे जैसे अपन हंस रहे हैं, वैसे हंसने लगे कि बाबा का दिमाग शायद ख़राब हो गया है, अब इनका अब ये अब इस धरती पर में रहने योग्य नहीं रहे। अब उनको सब लोग डांटने भी लगे कि आपको प्रणाम किया और आप इसको डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं। वो गाली दे करके वो बैठना कोशिश किया लेकिन उन्होंने उसको बैठने नहीं दिया। अंत में वो ज़बरदस्ती बैठने लगा, ये लाठी उठा लिया उन्होंने कि इसको आज मारूंगा, उसको भगा दिया मंदिर पर से, यानी कि बैठने नहीं दिया। वो लड़का चला गया घर। अब यहाँ पर मैं परिवार के जितने लोग थे सब लोग उनके ऊपर में जो है सो गुस्सा से फायर हो गए, जो भाई ये क्या किया आपने, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप वृद्ध हो गए हो, आप मर जाओगे लेकिन कल हो के हमें इसी जगह पे रहना है, कितनों से दुश्मनी करेंगे, इत्यादि लोग कहने लगे। उन्होंने कहा कि देखो इसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की बची हुई है, 2 घंटे बाद ये लड़का मर जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता था कि ये यहाँ पर में रहे, मैं ये चाहता था कि ये कम से कम इतने देर के लिए अपने परिवार के पास चले जाए, अपने माँ बाप पति पत्नी जो भी है उसके साथ बच्चों के साथ अपना समय बिताए, इसीलिए मैंने ये किया। अगर मैं उसे प्रेम से कहता तो वो जाता नहीं, वो मेरा भक्त था, वो मुझे बहुत मानता था, वो बाबा बाबा कह करके यहाँ पे अभी बैठा रहता और 2 घंटे में उसकी जान चली जाती। सब ने कहा कि बाबा आज लगता है भांग पीते थे वो, बाबा आज ने भांग बाबा ने ज़्यादा पी लिया है इसीलिए ये स्थिति, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ठीक 2 से 3 घंटे का समय बीता है और आप यकीन मानो कि वहाँ पर में 2 से 3 घंटे का समय बीता है और उस मोहल्ले से रोने धोने की आवाज़ आने लगी, जोर जोर से लोग रोने लगे। अब युवा मरा था तो उसको लाश, हम लोगों के घर के पास नदी है वहाँ पे जलाया जाता था, उसके लाश को लेकर के लोग 3-4 घंटे बाद आ रहे थे उधर से। सब लोग आश्चर्यचकित, भाई क्या हो गया, तो कहा कि वो जो व्यक्ति था जो यहाँ से बाबा ने जिसे भगाया था वो मर गया। कहा कैसे मर गया, कहा कि वो यहाँ से गया उदास मन से गया, परिवार के पास साथ बैठा, उसकी माँ ने उसे खाना खाने के लिए दिया और उसके पेट में दर्द हुआ और फिर डॉक्टर के यहाँ जब तक ले जाते तब तक उसकी जान चली गई। अब ये ज्योतिष शास्त्र की कितनी कड़ी गणना है, ऐसा गणना करने वाला आज ज्योतिष हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में एक भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ एक भी ज्योतिष ऐसा दुनिया में नहीं है जो ये बता दे कि 1 घंटे में क्या होने वाला है, 5 मिनट में क्या होने वाला है। एक छोटा सा इलेक्शन मोदी जी का हुआ उसमें सब 400 पार मछली बाजार की तरह, जैसे कि 400 रुपये किलो जैसे बेच रहे उस प्रकार से सब ज्योतिष एक लाइन में लग गए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सही कैलकुलेशन सही तरीके से दे सके क्योंकि ईमानदारी नहीं है। तो यही बात है। अब आप और क्या पूछना चाहते हो? सवाल था कि जैसे उस लड़के की बात करी हम लोगों ने अभी, तो ऐसा होता है कि कई बार परिवार में किसी के ऊपर कोई दोष होता है, तो क्या उस आदमी के ऊपर जो दोष है वो किसी दूसरे के ऊपर भी ट्रांसफर हो सकता है, या उसका जो प्रकोप रहता है, प्रकोप जैसी जो चीजें होती है वो किसी और के, जैसे कोई लड़का है उसके मामा पापा मम्मी किसी के भी ऊपर आ सकता है क्या इसमें? हाँ, ये बात बहुत मतलब तार्किक बात है ये। अब आप कहोगे जो आप कुंडली मेरी देख रहे हो, मेरे कुंडली में दोष है, इसका प्रभाव मेरे पिताजी के ऊपर में कैसे पड़ेगा, मेरे माता के ऊपर में कैसे पड़ेगा, मेरा भाई भतीजा चाचा ताऊ नाना नानी उसके ऊपर में कैसे पड़ेगा, क्योंकि ये कुंडली तो मेरी है। मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसे कुंडली का भी निर्माण करता हूं, अगर आपका वो जन्म तारीख जन्म समय है और आपका आपके नाना के बारे में अगर उसके निकालना पड़े तो आपके कुंडली से आपके नाना के बारे में, नानी के बारे में, मामा के बारे में, चाचा के बारे में, सबके बारे में निकाल सकता हूँ। आपके कुंडली में, आपके कुंडली से 3रा भाव आपके छोटे भाई बहन का होता है और आपके कुंडली से आपका 5वां भाव आपके संतान का होता है, 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है, 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन, 10वां भाव 9वां भाव आपके पिता का होता है, 9वां भाव आपके साला साली का भी होता है। अगर आपके कुंडली के 10वें भाव में कोई मारक ग्रह बैठा हुआ है जो मृत्युतुल्य कष्ट देने वाला है और उसका समय आपके ऊपर में चल शुरू हो गया, आप ये मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप ये देखोगे कि उस समय में आपके पिता की मृत्यु होगी अथवा पिता का जीवन तहस नहस हो जाएगा अथवा पिता का बिजनेस व्यापार सब खत्म हो जाएगा, पिता आपके डिप्रेशन में चले जाएंगे, पूर्ण रूप से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी कि एक व्यक्ति के कर्म का फल सिर्फ उसी को नहीं मिलता है, उसके माता पिता भाई बहन चाचा चाची नाना नानी गाँव समाज शहर देश, आज इस देश का कोई व्यक्ति है मान लो
कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है कोई, बहुत अच्छा उसने काम किया है, आज वो अमेरिका में जाकर के बम ब्लास्ट कर दे, क्या वो दोष सिर्फ उसी व्यक्ति के ऊपर में रहेगा? नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर में आ जाएगा कि ये कहाँ का था, हिंदुस्तान का था। अच्छा, वो हिंदुस्तान में कहाँ का था, सिर्फ हिंदुस्तान पर भी नहीं रहेगा, वो हिंदुस्तान में दिल्ली का रहने वाला था। अच्छा, दिल्ली में रहने वाला कहाँ का था, तो वो दिल्ली में द्वारका का रहने वाला था। यानी कि अच्छा, द्वारका में कहाँ का था, तो इस फैमिली का था। यानी कि कहाँ किया उसने कर्म और फल कहाँ तक आ गए। यानी कि आपका अगर कुंडली है उसमें अगर दोष है तो आपके साथ जितने दूर तक लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, उसका दुष्प्रभाव आपके दोस्त के ऊपर में भी पड़ेगा। आज दुष्प्रभाव की बात आई तो मांगलिक दोष मेरे दिमाग में आया कि मांगलिक लोगों से शादी नहीं करना चाहिए जो मांगलिक नहीं है उन्हें, और ऐसी तरह की कई बातें चलती हैं कि ये नहीं होना चाहिए मांगलिक के साथ, क्योंकि मांगलिक में अलग अलग तरह की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं जो आम लोगों में नहीं होती है। तो मांगलिक लोगों को सबसे पहले तो मांगलिक दोष क्या है ये आप बता दें, और मांगलिक लोगों मांगलिकता अगर दूर करनी हो किसी की, अगर कोई शादी करना चाह रहा है जो मांगलिक नहीं है उससे, तो क्या क्या विधि है उसके साथ शादी करने की? अब देखो, प्रश्न यहाँ पर में ये है कि मांगलिक दोष के बारे में कई सारी भ्रांतियाँ ज्योतिषों ने फैला रखी है। मांगलिक दोष के बारे में कुछ ना कुछ कह करके आपको ठगते रहते हैं, आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं। क्या मांगलिक दोष वाकई में काम करता है या ये सिर्फ एक फरेब है, एक धोखा है? ऐसा नहीं है, मांगलिक दोष वाकई में काम करता है। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो आपके कुंडली में ये सामान्य दृष्टि से मांगलिक दोष हुआ। लेकिन ये सामान्य दृष्टि है, इसमें बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसके तहत मांगलिक दोष भंग हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि ये अच्छा, मांगलिक दोष के लिए लोग समाधान जो है सो ये बताते हैं कि या तो मांगलिक दोष की शांति करवा दिया जाए, विष्णु विवाह है, अश्वस्थामा विवाह है, उसके बाद और भी पीपल के पेड़ से, बरगद के पेड़ से विवाह करवाया जाता है, कुंभ विवाह है, ये सब मांगलिक दोष के शांति के उपाय हैं। दूसरा कि मांगलिक व्यक्ति जो है वो किसी मांगलिक से जब विवाह कर लेता है तो उसकी समस्या दूर हो जाती है, ऐसा कहा जाता है कि मांगलिक दोष समाप्त हो गया। हाँ, अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि मांगलिक को मांगलिक से विवाह करवाया गया फिर भी विवाह टूट गई अथवा एक की मृत्यु हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? यह सिर्फ ज्योतिषों के गड़बड़ी के कारण हुआ, अथवा दूसरे शब्दों में कहो तो उसका भाग्य में दोष था। क्योंकि ज्योतिष ने जब कुंडली देखी तो वो सिर्फ ये देख पाया कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है इसलिए मांगलिक दोष है। उसने ये नहीं देखा कि ये मांगलिक दोष इस ग्रह के कारण भंग हो गया है, वो कट गया है, इस चीज को नहीं देखा और मांगलिक लड़के से मांगलिक लड़की की शादी करवा दी, जो मांगलिक होते हुए भी मांगलिक नहीं था, इसलिए शादी हुई, इसलिए एक की मृत्यु हो गई। ये सच्चाई है, ऐसा होता है। क्योंकि मांगलिक दोष वाले लोगों में कुछ ऐसी क्वालिटी होती है, कुछ इस प्रकार की शक्ति होती है, इस प्रकार का आवेग होता है कि जो मांगलिक नहीं है वो उसको सहन नहीं कर सकता। मान लो कि एक दैत्य है, उसका अगर विवाह एक मनुष्य से करवा दिया जाए वो कितना दिन तक उसके साथ रह पाएगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कुछ समय में एक का अंत हो जाएगा। वही बात है मांगलिक और गैर मांगलिक। इसके लिए जब भी आपके कुंडली में मांगलिक दोष हो तो मांगलिक से ही विवाह करें। पहला आप ये प्रयास करें कि ये जस्टिफाइड कर लें कि वाकई में ये मांगलिक है या नहीं। अगर है तो आपको मांगलिक लोग नहीं मिल पा रहे तो उसकी शांति सही तरीके से योग्य व्यक्ति के द्वारा करवाएं, नहीं तो इसका दुष्परिणाम वास्तव में बहुत घातक होता है। हमारे पास में ऐसे हजारों एग्जांपल हैं। अब आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि आज बहुत अलग अलग तरह से लोग ठगे जा रहे हैं रत्नों के नाम पर, कि 50,000 का रत्न है 50 लाख में बेच रहे, और लोग बेझिझक पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार है रत्नों के नाम पे। तो किस तरह से पता किया जा सकता है कि ये रत्न सही है, ये रत्न गलत है, और किसे कौन सा रत्न पहनना चाहिए? कुछ ज्योतिष है जो कहते हैं कि ये रत्न आप पहन लो, कुछ कहते हैं मत पहनो, कुछ कहते हैं इस उंगली में पहनो, कुछ कहते हैं इस उंगली में पहनो। तो अलग अलग तरह से लोगों को कन्फ्यूज किया जा रहा है, अलग अलग ज्योतिष किए कर रहे हैं ये कन्फ्यूज कर रहे हैं लोगों को। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से गलतफहमी दूर की जा सकती है, लोगों के दिमाग से ये शक निकाला जा सकता है कि ये रत्न सही है, और लोग कैसे पहचाने कि कौन सा रत्न सही है कौन सा गलत है? सही बात, रत्न की दुनिया। रत्न जो है सो आज के समय में ज्योतिषों के लिए एक सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र बन चुका है।
कुंडली देखने का तो वो 2000 रुपये आपसे चार्ज लेंगे और रत्न के नाम पर में लाखों रुपए आपसे वो ऐठ लेंगे। ये सच्चाई है। कई लोग मुझे कहते हैं, गुरुदेव आपने कुंडली देखी है, आप ही रत्न दे दो। मैं जवाब देता हूं कि मैं एक ज्योतिष हूं, मैं कोई रत्न का व्यापारी नहीं हूं। मेरे पास में लाखों रुपए के रत्न पड़े हुए हैं। आपके जैसे रत्न व्यापारी जब आते हैं तो वो मेरे पास में रत्न दे करके जाते हैं, गुरुदेव अगर हो सके तो मेरा थोड़ा सा प्रमोशन कर देना, मेरे दुकान के बारे में बता देना, मेरे यहाँ ग्राहक को भेज देना। मैं उनको मना करता हूँ, फिर भी ज़बरदस्ती रख के जाते हैं कि कहीं बाई चांस अगर भेज दिया एक को भी तो हमारा कितना का खर्चा निकल जाएगा। रत्न, रत्न का ज्ञान आज के समय में 90 अगर कहूं तो कम होगा, 95% ज्योतिष को इसका ज्ञान नहीं है। आज आप अगर किसी ज्योतिष के पास चले जाओ तो आपको कोई कहेगा कि ये पुखराज जो है सो आपको बहुत सूट करेगा, आप इसे पहन लो, पहनते ही करोड़पति बन जाओगे। अच्छा, आप जब आप दूसरे ज्योतिष के पास जब गए, कहा ओह ये पुखराज किसने आपको धारण करवा दिया, मूर्ख था वो, उसको ज्ञान नहीं था, ये गलत आपने, आप नीलम पहनो, मैं आपको 50,000 का नीलम देता हूँ, आप वो पहनो, आपको उससे उद्धार होगा। आप तीसरे के पास गए, ओहो मतलब दोनों जो आपको मिला, दोनों का दोनों ज्योतिष गलत था। आप पन्ना पहनो, मैं आपको 1,00,000 रुपये का पन्ना देता हूँ, आप ये पहनो, इससे तो आपको पैसे की बारिश होने लगी, आप तो भाई मतलब करोड़पति अरबपति तो बन ही जाओगे, इसमें कोई कहीं शंका नहीं है। आम जनमानस के लिए ये सबसे बड़ा समस्या हो जाती है कि किस प्रकार से रत्नों के बारे में निर्णय ले। आपको मैं बता देता हूं, रत्न जो है कुंडली में, जब भी कोई कुंडली आप देखें, आप खुद एक सामान्य व्यक्ति भी जो तरीका बता रहा हूं उसको समझ करके रत्न धारण कर सकता है। रत्नों का काम कई ग्रंथों में बताया गया है कि ये दोष को नाश करता है, दोष का समन करता है, दोष को कम करता है। उसको पहनने से नहीं, उसको दान करने से। कैसे? जैसे कि मान लो आपका कोई कुंडली है, उस कुंडली में सबसे पहले आप ये देखो, मेरी वीडियो जब बहुत सारा देखोगे उसमें हमने बता रखा है कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा मारक है, कौन सा अच्छा है बुरा है। आप ये देखो सबसे पहले रत्न का आप कलेक्शन कैसे करो। आप देखो कि आपके कुंडली के 6ठे 8वें और 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह हैं। जो ग्रह बैठे हुए हैं उसका रत्न आप भूल से भी मत धारण करो, चाहे वो कोई महामहोपाध्याय ने आपको कह दिया हो, पहला। दूसरा आप ये देखो कि आपके कुंडली में योग कारक ग्रह कौन सा है और मारक ग्रह कौन सा है। मारक ग्रह का रत्न जीवन में कभी नहीं धारण करो, चाहे किसी ने भी कह दिया हो, तो आपका आधा से ज्यादा रत्न यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब जो कुछ बचा ग्रह उसके रत्न, तो उसमें आप सबसे पहले अब ये देखो कि ग्रहों की डिग्री कितनी है। 12 से 18 डिग्री पर में जो ग्रह है उसका रत्न आप कभी न धारण करो, चाहे वो योग कारक ही क्यों न हो। क्योंकि कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि अति 12 से 18 डिग्री का मतलब कि वो ग्रह 100% अच्छा फल देने में या बुरा फल देने में सक्षम है। जब आपने उसे और पहना दिया तब उसमें अहम ब्रह्मास्मि आ जाएगा, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही खुदा हूँ, अपूर्णी भगवान है, इस प्रकार का भाव जो है सो मन में आ जाएगा। तो रत्न धारण करने का 3 कैटेगरी हुआ। पहला, 6ठे 8वें 12वें घर में जो ग्रह हो उसका रत्न धारण नहीं करना है। जो ग्रह 12 से 18 डिग्री पर में उसका रत्न नहीं धारण करना है। जो ग्रह आपके कुंडली में मारक है उसका रत्न नहीं धारण करना है। इन 3 कैटेगरी पर में, स्टैंडर्ड पर में आप कुंडली को अगर खड़े उतारना आप सीख गए तो फिर आप स्वयं निर्णय कर लोगे कौन सा रत्न धारण करना है, कौन सा नहीं करना है। फिर आप ठगे नहीं जाओगे, कोई आपको ठग नहीं पाएगा। और रत्न जब भी लें तो एक बार उसे जा करके अगर पैसा खर्च करें, अगर 2-4-5 हज़ार का ले रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर 50 से ऊपर का लेते हो रत्न आप, तो निश्चित तौर पर में जा करके उसको लैब में सर्टिफाइड कराएं, 1,000-1,200 रुपया लगता है, जांच करवाएं कि भाई ये सही है। आंख धोखा खा सकती है लेकिन वो मशीन जो है वो आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा। जो ये मिश्रा जी का है तो इसको अच्छा बता दूं, ये शुक्ला जी का है तो ये बुरा बता दूं, नहीं, वो आपको सही बताएगा। तो वहां जा करके निर्णय आप सही तरीके से करें। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी इंटरव्यू हो गई है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग भी नई नई चीज़ों से अवगत हुए होंगे, नई चीज़ें सीखने को मिला होगा आपको भी। मैं तो खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे सामने बैठकर इंटरव्यू करने का मौका मिला और बहुत सारी चीज़ें सीखने का अवसर भी मिला है। अभी बाद में और भी बात करूँगा और अगर कुछ ऐसा रहा तो आपसे भी साझा करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
आपसे एक आग्रह कि अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो निश्चित तौर पर मैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका अगर कमेंट आएगा तो हम लोग एक और चर्चा करेंगे तांत्रिक विद्या पर में, क्योंकि तंत्र के मामले में भी लोग आज सारी दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से ठग रहे हैं, बहुत लोग लूट रहे हैं कि ये काला जादू कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। तो तंत्र शास्त्र पर में भी बात करेंगे कितनी सही है कितनी गलत है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इंटरव्यू करने के लिए आदित्य कुमार रवि जी का, जो कि आपने इनकी वक्ता शैली देखी, आपने इनके शब्दों का चयन देखा, कितना तीखा, कितना मतलब एक सटीक जो शैली होनी चाहिए वो थी। अगले वीडियो में फिर से इनके साथ अगर भगवान की कृपा रही तो हमारी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राधे राम राम।